करता हूँ। क्यों एक झूठे इल्जाम का बोझ अपने सीने पर उठाए फिर रहा है? क्यों नहीं पूछते कि आखिर हुआ क्या था? या हम भी उसी चाल का हिस्सा बन गए जो दुश्मन ने चली थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर अहमद खान। आज हम मौजूद है बीच लग्जरी होटल कराची, यहां पर फिल्म खेल खेल का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है। आए हम जानते हैं एक्ट्रेस से, अदाकारों से और आए हुए मेहमानों से उस फिल्म के बारे में क्या राय रखते हैं। आई एम रिलीज़ हो रही है, सो प्लीज़ सिनेमा घरों में जाए, सिनेमा फिल्म देखें। एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू वॉच एवरी सिंगल पाकिस्तानी फिल्म। और ये फिल्म आज हमारा ट्रेलर लॉन्च है, सो आई एम रियली होपिंग कि लोग इस फिल्म को देखेंगे, पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हफीज रज़ा और खेल खेल के प्रेस रिलीज़ पे और ट्रेलर लॉन्च पे मौजूद हैं। बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाई है, 19 नवंबर को लग रही है। अपनी फैमिली के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, दोस्तों यारों के साथ आके फिल्म देखिए, सिनेमा में सपोर्ट कीजिए। और एक अच्छी फिल्म है और कोई रिवाइवल नहीं है, रिवाइवल हमने कर लिया 11 साल पहले, अब अच्छी फिल्म लगा रहे हैं, अच्छी फिल्म देखने आई है। द लिब्रेशन, हमने इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा हाईलाइट किया है, द 1971 हिस्ट्री। और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल है, हिस्ट्री है, सस्पेंस है और बहुत सारी चीज़ें, बाकी तो मूवी में पता चलेगा। देखिए, मसला ये है कि ये आपका के ऊपर फॉल ऑफ उस मौजू पर, उसमें जो गंभीर किस्म का सवाल है वो ये है कि ऑडियंस जो है वो उसको देख के आया ये सोचता है कि ये हमारे लिए एक अलमिया है और बहुत बड़ा दुख है, और जो दूसरे लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, जो कुछ जिस तरह भी आप उसको ले, तो ये सवाल तो उठेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत हसास है एंड बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड इट्स नॉट लाइक द यूजुअल पाकिस्तानी फिल्म। थैंक यू। मेरा नाम बासला है एंड आई एम द कोरियोग्राफर फॉर द टाइटल सॉन्ग, एंड वी इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन, वी ब्रिंगिंग समथिंग एब्सोल्युटली न्यू एंड आई एम वेरी सेट एंड यू लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम, एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आपके जितने भी नाज़रीन हैं उनको, क्योंकि बहुत अरसे बाद एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, डैट वॉज सिनेमा इंडस्ट्री, एंड फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स जो है हमारे सिनेमा जो कि ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़े हुए थे, वो अब दोबारा से एक स्टेप लिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू फिज़ा एंड नबील की उनकी वजह से, उनकी काविश से पहली फिल्म जो पाकिस्तानी जिसका ट्रेलर है वो आज रिलीज़ हुआ है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि इन्होंने जो इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली है कि पहला स्टेप हम लेंगे जिसमें कामयाब हों। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है इस इवेंट में आके कि रंगारंग इवेंट है कराची में, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जो कि बहुत अरसे बाद हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से कराची की जो रोशनियाँ थी वो मानित पड़ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, खुशी हो रही है। और फिल्म खेल खेल जो है उसने कितना अच्छा प्रोग्राम इवेंट किया, आज उसका ट्रेलर जारी हो रहा है और कास्ट भी सारी आई हुई है, बिलाल अब्बास आया, सजल अली आई और सारे कास्ट हैं और अच्छे अच्छे गेस्ट आए हैं, मिलके बहुत खुशी हुई, अच्छा लग रहा है। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक कराची की रौनकें भी बहाल करे और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है जो थोड़ा सा गुमगुम के जो शिकार थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा सर्वाइव कर रही है और दोबारा अपनी जगह पर आ रही है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर दुनिया की बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री होगी। और मैं इस मौके पर ATV का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रिपोर्टर बशीर अहमद खान का भी, हमारी कैमरा मैन नगीना है इनका भी, कि माशाल्लाह वो आए, उन्होंने इस इवेंट को कवर किया और होपफुल कि वो दोबारा भी इसी तरह अपना जो है कॉपरेशन हमारे साथ रखेंगे। फिल्म खेल खेल बहुत अच्छा है, ट्रेलर इसका देखा हमने, बहुत मज़े का ट्रेलर है। और कोरोना के बाद ये इवेंट एक्टिविटी हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है, आवाम काफ़ी मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब थी वो काफ़ी अच्छे फील कर रही है। और देखिए इतने सारे पब्लिक है, सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं मूवी देखने, एक दूसरे से मिलने, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप लोग जो अभी सोशल मीडिया से चीज़ों को कैप्चर कर रहे हो और कोरोना के बाद इतना बड़ा एक इवेंट जो ना हो रहे और बहुत अच्छा इवेंट है, फिल्म भी बहुत अच्छा है, फिल्म चाहे जैसा भी हो लेकिन मार्केट में जब चीज़ें आती रहती है तो उस चीज़ों से बहुत सारे लोग सबक सीखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते रहते हैं, इन्जॉयमेंट होते हैं, लोग घर से बाहर निकलते, ये अच्छी बात है। और डायरेक्टर है नबील कुरैशी, माशाल्लाह से एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है उसका, अल्लाह उसको और इज़्ज़त देवे। और फिल्म में सज्जल भी है तो वो भी एक माशाल्लाह से एक अच्छी आर्टिस्ट है, और होनी चाहिए एक्टिविटी भी होनी चाहिए, फिल्में लगने चाहिए, मतलब यहाँ जितने लोग जो इन्जॉयमेंट के लिए बाहर निकलते थे अब आप लोग के सामने कोरोना के बाद जो है ना सारे चीज़ें ख़त्म हो गए थे,
तो आई हूँ खेल खेल में, इसका नया ट्रीजर आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, और मैंने देखा बहुत अच्छा था, होप आप सबको भी पता अच्छा लगेगा। थैंक यू। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद नबील कुरैशी सिंस आई वाज अ किड, सिंस आई वाज अ किड। सो फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। सो किसके साथ? नहीं नहीं, वो राणा साहब पे तो बाद में आएंगे, लेकिन मेरा ख्वाब यही था बचपन से कि मैं नबील कुरैशी की फिल्म में काम करूँ एक दिन, और वो दिन आ गया। और आप खुश हैं अपने काम से, अपने किरदार से? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो किया है। एक एक्टर को जो एक भूख होती है, वो जो एक लालच होती है ना, वो आपके कैरेक्टर्स की होती है। सो अगेन दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, जो मेरा किरदार है इट्स वेरी अनयूजुअल, जो मैं चाहती थी कि मैं फिल्म में वो काम करूँ जो थोड़ा सा हटके है। सो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, और उसी वजह से मैंने फिल्म की। और मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है इस कैरेक्टर पे, ऑनेस्टली जितना मैं यूजुअली करता हूँ, मैंने सब खाने खाए और इन्जॉय किया। बहुत सिंपल सा कैरेक्टर था जो मुझे इनिशियल ब्रीफ मिली थी, बट द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट। जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टेंट है मूवी का, वो बहुत इसकी USP है। वरना मेरा कैरेक्टर तो एक्टर बनना चाहता है, मैं भी रियल में एक्टर बनना चाहता था, सो इट्स वेरी रिलेटेबल। मैं भी आज तक एक्टर बनना चाहती हूँ। आप बन जाएंगे इंशाल्लाह आज तक।